हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी थोड़ा थक गया। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग इंट्रोवर्ट। तो अभी हम लोग थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल कोल्ड स्टार्ट करके हम लोग चलेंगे, थोड़ा काम है मेरे को, वरना तो नहीं निकल रहा था मैं, लेकिन निकलना पड़ेगा, कुछ कुछ काम आ गया है मेरे को। तो चलो चलते हैं, देखते हैं लॉकडाउन में गुड़गांव कैसा लगता है। सामने का नंबर प्लेट अभी भी नहीं है, मेरे बैग में है तो स्क्रू की वजह से इतना लेट हो रहा है मेरे को लगाने में। बट एनीवेज चलते हैं, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। सब रास्ते सुनसान है, अच्छी बात है, मेरे को भी मजबूरी में ही निकलना पड़ा है, वरना तो मैं नहीं निकल रहा था। अच्छा इधर बंद है, यहाँ एटलीस्ट 5-6 एम्बुलेंस खड़े हैं। वैसे प्रदूषण पहले से फिर से काफ़ी कम हो गया, जैसे कि होता ही है हर लॉकडाउन में। रास्ते इतने भी खाली नहीं है जितना मैं सोच रहा था। ये है यहाँ का मार्केट व्यापार केंद्र, यहाँ भी सन्नाटा ही है। ये पेट्रोल पंप चोर है, अगर यहाँ आ रहे हो तो इसमें मत भरवाना, चोरी करते हैं ये, पेट्रोल कम देते हैं पैसे ज़्यादा लगाते हैं। अगर मेरा ऑडियो अच्छे से नहीं आ रहा, मतलब मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही तो सॉरी, क्योंकि मैंने 2 मास्क पहन रखे हैं, एक नहीं, तो हो सकता है थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा था देन कैरी ऑन। साइबर सिटी, साइबर हब, जो चाहे बोल लो। ये इलाका ना गुड़गांव का बहुत ही खतरनाक लगता है, बहुत ही खतरनाक, मतलब पता ही अंग्रेजों वाली फीलिंग, समझ रहे हो ना आप, देख रहे हो कितना सही लगता है। एक टाइम पे यहाँ पे वीकेंड्स में इतनी ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी। ये सारे कॉरपोरेट ऑफिस है यहाँ पे, मतलब यूथ का हब था ये, साइबर हब तो छोड़ो, यूथ हब जरूर था। वेलकम वेलकम गाइस टू साइबर सिटी। अरसे बाद आ रहा हूँ यहाँ अपने ही रूम पे। सीन ये है कि मेरे को रूम फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा, रूममेट की शादी हो गई और वो ज़माना हो गया गुड़गांव छोड़ के अपने घर जाके, तो वो भी बोल रहा था कि बेकार में ही पैसे लग रहे हैं, मैं भी नहीं रहता इधर और वो भी नहीं रहता इधर तो बेकार के पैसे जा रहे हैं। मैंने बोला सही बोल तो सही रहा है, क्यों ना छोड़ ही दिया जाए रूम। अब इनका पता नहीं अभी तक रास्ता बना है कि नहीं, देख लेते हैं। जाओ ऑडी वाले भाई साहब। हाँ एक टाइम पे यहाँ पे राइडर्स का जंक्शन हुआ करता था, आप पहले के वीडियोस देख सकते हो, उसमें अच्छे से पता चल जाएगा, रास्ता अभी तक नहीं बना। चलो बढ़िया है, पता नहीं कब बनेगा, आधे आधे में छोड़ रखा है इन्होंने। इनको पहले जाने देता हूँ, नाली का पानी। टट्टी का पानी है ये, मतलब
समझ रहे हो ना कौन सा पानी है। सूसू और पोटी की स्मेल आ रही थी उधर से। बुरा हाल है भाई, बुरा हाल है। ऐसे में कोरोना हो या ना हो, साला दूसरी बीमारियां जरूर हो जाएंगी। तेरी क्या हाल चाल भैया? बढ़िया चल रहा। चलो अब घर लौटा जाए। मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली, कल आऊँगा। और भैया को बोल रखा है, जो कैटर करते उनको बोला कि शायद कोई ऑटो, मतलब जो छोटा हाथी टाइप कुछ मिल जाए बुला के रखने, फिर शिफ्ट कर लूँगा मैं। अरे पैथी, तुम मेरे बाइक का आवाज ही पहचान गई। अभी कवर नहीं चढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा गर्म है अभी। चलो बच्ची, चल 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 आ जाओ। आ रहा हूँ, खाना लेके आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है बैठो इधर, आ रहा हूँ। अभी मेरे बिल्लियों ने क्या हाल कर रखा होगा पता नहीं, देखते हैं। अरे तूने कोई बदमाशी नहीं किया हैं? बदमाशी नहीं किया तूने? ने गुड 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 बॉय। रखो अभी पैची को खाना दे के आता हूँ, ठीक है? आ रहा तेरे लिए है, तेरे लिए ये आज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ज़्यादा कुछ है नहीं लॉकडाउन में करने को, सो दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर, स्टे सेफ, बी सेफ, राइड सेफ। टाटा।